आपके आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पांचों चीजों को क्या कहा जाता है ये तो आप भली भांति जानते होंगे। जी हाँ, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके मदद से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गंध ले सकते हैं, स्वाद का मजा ले सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जानते हैं इन सभी में कॉमन क्या है? आप देखते भी हो इस दुनिया को, सुनते भी हो इस दुनिया को, आप सुगंध लेते हैं इस दुनिया का, आप स्वाद लेते हैं इस दुनिया का, मतलब इस दुनिया में बने भोजन का, और त्वचा भी मदद करती है आपको इस दुनिया को महसूस करने के लिए। परंतु क्या आपको पता है कि इन पांचों को उंगलियों पे नचाने के लिए इस दुनिया के पास कितनी चीजें हैं? सिर्फ दो। जी हाँ, सिर्फ दो चीजें आपके इन पांचों शक्तियों को अपने उंगली पे नचाती है, और वो दो चीजें हैं मैटर एंड एनर्जी। जी हाँ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्य और ऊर्जा। आप देखते हैं एनर्जी को, जो कि इस दुनिया से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है। आप कान से साउंड एनर्जी को कैप्चर करते हैं, जो कि मैटर के वाइब्रेशन के वजह से क्रिएट होता है और एयर के थ्रू आपके कानों तक पहुंचता है। हमारा नाक भी मैटर से इंटरैक्ट करके स्मेल को जान पाता है। हमारा जीभ भी मैटर का टेस्ट बताता है, और त्वचा भी मैटर को टच करके ये बता पाता है कि मैटर ठंडा है या गर्म। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सिसिर राज और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो मैटर और एनर्जी ही वह चीज है जिससे सब बना है। इस दुनिया में हर चीज या तो मैटर या फिर एनर्जी का बना होता है, इसीलिए हमारा शरीर भी इसी चीज का बना हुआ है, मैटर और एनर्जी का। इसका मतलब हम मैटर और एनर्जी के बने होने के बावजूद हम अपने मैटर और एनर्जी के बने सेंस ऑर्गन्स से मैटर और एनर्जी को देख, सुन, खा, पी सब कर सकते हैं, वो भी मैटर और एनर्जी को ही। तो इसी बात पे मुझे आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है कि जग मैटर मैटर लागे दोस्तों, और जग एनर्जी एनर्जी लागे। जस्ट किडिंग गाइस, पर ये वाकई में कूल है। परंतु आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मैटर को सॉल्व करेंगे, एनर्जी अगले पार्ट के लिए छोड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल ये है कि मैटर ससुरा क्या चीज है। तो मैटर वो होता है दोस्तों जो कि हम यूपी बिहार में सुलटाते हैं। अरे नहीं, असल में मैटर वो होता है जो कि कोई जगह छेके और जिसके पास अपना मास हो। बताओ, सभी चीजें ऐसे ही होती है। हम भी जगह छेक रहे हैं, ये पास में पड़ा कुर्सी भी जगह छेक रहा है, हर चीज जगह छेक रहा है भाई। सारी चीजें मैटर की बनी है, इन सभी के पास मास भी है, ये सभी चीजें मैटर की ही बनी है। तो बिल्कुल, सभी चीजें मैटर की ही बनी हुई है। अब उसमें कितना एनर्जी है वो बाद की बात है। तो चूंकि हमने जान लिया है कि मैटर क्या होता है, तो आइए अब हम इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं और जानते हैं मैटर क्या चीज है। तो इस ब्रह्मांड में कितनी चीजें बनी हुई हैं मैटर की, परंतु इनके बिल्डिंग ब्लॉक सिर्फ तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें की कंबाइंड हम एटम्स कहते हैं, यानी कि परमाणु। अभी तक गिन के कुल 118 तरह के परमाणु पाए गए हैं, और ये 118 मिलकर पूरा ब्रह्मांड पर राज कर रहे हैं, ब्लैक होल्स और स्टार्स के रूप में, प्लैनेट्स और मून्स के रूप में, हवा और पानी के रूप में, और यहाँ तक कि बंदरों और सांपों के रूप में। तो इन एटम्स को हल्के में मत लीजिएगा, यही जीवन देता है और यही जीवन लेता भी है। आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखिए कि आपका चाय दूध, चाय पत्ती, चीनी और पानी से नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, हम लोग तो सिमुलेशन में रहते हैं। तो गाइस, सवाल ये है कि आखिर कैसे ये एटम्स पूरे ब्रह्मांड को बना सकते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो देखो, होता ये है कि एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। ऐसे ग्रुप्स को हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो एटम्स है ना, ये एक दूसरे से अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ सकते हैं और नया नया मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं। ये अनगिनत तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़कर इस ब्रह्मांड में अनगिनत प्रकार के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ये कहावत तो जरूर सुना होगा, जैसी संगति वैसी रंगति। तो वही बात है दोस्तों, जो एटम्स जिस प्रकार के एटम्स से जुड़ेगा, उसी तरह का गुण वाला मॉलिक्यूल बनेगा। तो मैटर की बात करते हैं दोस्तों, मैटर तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जस्ट किडिंग गाइस, और भी होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये तीन रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये स्टेबिलिटी के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाते हैं।
स्टेबिलिटी पाना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप गिर जाते हैं। रिलेशनशिप अगर स्टेबल नहीं होता है तो टूट जाता है। उसी तरह अगर एटम्स स्टेबल नहीं हुए तो मॉलिक्यूल भी टूट जाता है। परंतु मॉलिक्यूल टूटने के लिए एक ऐसा एटम चाहिए जो नया और ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनाए। तो जो नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के दो मुख्य नियम होते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं। तो पहला नियम ये है कि हर एक एटम के अंतिम सेल यानी कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर कम है तो किसी से लेकर बॉन्ड बनाए, या फिर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो किसी को इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाए, तभी स्टेबिलिटी अचीव होता है। एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, हाइड्रोजन। अगर आप मेरे एटम्स वाले सीरीज को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन दो एटम्स से ही स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। वो क्यों, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस रूल को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो दोस्तों मॉलिक्यूल तभी स्टेबल रहेगा जब उनके अंदर के सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो जाए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जो दूसरा रूल है दोस्तों स्टेबिलिटी हासिल करने का, कि किसी मॉलिक्यूल के पास कितना कम चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा किसी मॉलिक्यूल के पास, वह मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो दोस्तों मॉलिक्यूल्स के बीच एटम्स का जो आदान प्रदान होता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसी केमिकल रिएक्शन के वजह से दोस्तों आज हमारा शरीर चल रहा है और इस दुनिया में सारी चीजें बनी हुई हैं। तो दोस्तों अब हम मैटर के प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो किसी भी मैटर के पास दो तरह के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसका कलर, हार्डनेस, मेल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सब आप लोग बेसिक 11th-12th में पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें ये बताता है दोस्तों कि मैटर कैसा दिखता है, लाल, पीला, हरा, ब्लू इत्यादि। वह मैटर कितना सख्त है, मेलेबिलिटी मतलब ठोक बजाकर उसका शेप चेंज कर सकते हैं या नहीं। सॉल्युबिलिटी का मतलब वह मैटर कितना आसानी से घुल मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से कितना आसानी से पास हो जाता है। डेंसिटी का मतलब घनत्व कितना है उस मटेरियल का, उसके अंदर के एटम्स कितने टाइटली पैक्ड है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है अगर कोई सॉलिड है तो उसको कितना टेम्परेचर देंगे तो वो जाके मेल्ट हो जाएगा यानी कि पिघल जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर मैटर लिक्विड है तो कितना जल्दी खोल जाता है। ये सभी प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं मैटर के। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। किसी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी यह बताता है कि कितना जल्दी किसी मैटर के अंदर कोई केमिकल चेंज यानी कि बदलाव आ सकता है, जैसे कि जलना, फटना, जंग लगना, गलना, सड़ना, इस तरह की चीजें को हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा जब वह मैटर अपना स्टेट बदल ले, अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, या फिर लिक्विड है तो गैस बन जाए, और वगैरह वगैरह, या फिर कट जाए, खींच जाए, टूट जाए, या फिर किसी दूसरे सॉल्यूशन में घुल जाए। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज तब आता है जब एटम या फिर मॉलिक्यूल टूट के कोई दूसरा तरह का सब्सटेंस बन जाए, मतलब उसका सारा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होकर कोई नया फिजिकल प्रॉपर्टी शो करे, इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो आई होप ये बकवास सी बातें आपके पल्ले पड़ गई होंगी। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा से देख लें। तो अब जानते हैं एक महत्वपूर्ण चीज को जिसे आप सभी जानते होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे हाँ, वही घिसी पीटी बातें, मैटर इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाई केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो आपको सिर्फ राख नहीं मिलता बल्कि साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। तो आज जो आपने जाना मैटर के बारे में, मैटर किस चीज का बना होता है, कैसे एटम्स बनता है, कैसे मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल से कैसे इतना कॉम्प्लेक्स दुनिया बना है, कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और कैसे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, इन सभी चीजों के पीछे एक चीज छुपा है, वह है एनर्जी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उसके अगले पार्ट में हम जानेंगे एनर्जी को और उसके रोल को इस मैटर भरे दुनिया में।
तो बिना किसी मैटर के वीडियो को लाइक करें। आज मैं पहली बार आप लोगों के लिए एक लाइक एम रख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो इस वीडियो पे आई वांट 1,000 लाइक्स। लाइक पूरा होते ही हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, तो जितना जल्दी आप लाइक एम कंप्लीट करोगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।